हेलो गाइस, वेलकम टू केडी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज मेरे पास सोनी का म्यूजिक सिस्टम है, कंपोनेंट मिनी हाई फाई सिस्टम है, मिनी हाई फाई कंपोनेंट सिस्टम MSC GZR 8D। और इसमें प्रॉब्लम तो बहुत था, ऑन नहीं हो रहा था, डिस्प्ले नहीं आ रहा था, और उसके बाद जो है इजेक्ट स्टैंड वाई था। जब मैंने डिस्प्ले लाया तो इजेक्ट स्टैंड वाई था, और इसका पावर जब पूरा कंप्लीट करने के बाद, CD करने के बाद भी नहीं हो रहा था, तब इसका एक मिस्टेक, ये कनेक्टर नहीं लगाया था जिससे आवाज़ नहीं आ रही थी। इससे जैसे ऐसा लगता है कि कोई लेना देना नहीं है इसे, फिर भी बगैर इसके जो है आवाज़ नहीं आ रही थी। सिर्फ एक कनेक्टर जो है वो निकल गया था पूरा, इसके वजह से नहीं लगाया था और वो आवाज़ नहीं आ रही थी। अभी ये एकदम कंप्लीट चालू हो गया है, पूरा कंप्लीट चालू हो गया है। तो आप देख लीजिए, इसमें इजेक्ट स्टैंड वाई था, तो बेल्ट का तो आपको भी पता है बेल्ट फॉल्ट रहता है। बाकी इसमें पूरा जब लेके आए थे पूरा डेड ही था, कुछ भी नहीं आ रहा था, खाली ये लाइट आ रही थी, लाइट आके बंद हो जा रहा था, थोड़ा सा चलता था बंद हो जाता था। इसमें इन्होंने खुद खोल के जो है पूरा स्ट्रिप, अब ये समझ लो स्ट्रिप है, एक दो बार आप निकाल के लगा दोगे ना तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। आप देख रहे हो इसका एक साइड का मैंने काट दिया था, ये यहाँ पे है, ये पूरा पूरा काट दिया था, एकदम बेकार हो गया था। तो अभी ये फ़िलहाल तो मैंने रेडी कर दिया, पूरा CD सब चालू कर दिया, बट CD की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ CD चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन और ये सब सिस्टम में टाइम लगता है, अभी ये समझ लो एटलीस्ट 10 या 15 डेज हो गया जिससे रखा, तो आज पूरा कंपोनेंट मिला, तो फिर मैंने आज रेडी किया, इसको चालू किया। और ये भी सेम स्ट्रिप जो है इसका सेम मिलता नहीं है, ठीक है, सेम स्ट्रिप मिलता नहीं है, तो दूसरे उसमें ज़्यादा स्ट्रिप का पिन रहता है, तो उसमें जैसे ये स्ट्रिप हो गया 40 पिन का हो या फिर 29 पिन का हो, तो वो सब कटिंग कर करके अपने को डालना पड़ता है, तो वो पिन के लिए भी मैंने कटिंग करके वो पिन डाला इसमें। 5.1 है और आवाज़ बढ़िया है, पावरफुल है, 2 ST के लगा हुआ है, कितना 5900 वाट है। और कल मैंने GNZ 999 DB बना के दिया था, उसमें भी वो भी पूरा फुल डेड था। तो ये कंप्लीट हो गया गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड अगर कुछ भी आपको स्पेयर पार्ट चाहिए फिलहाल तो। और ये मेरे अजमेर से मेरा मतलब फ्रेंड ही हैं, समझ लो दोस्ती हैं, तो उनको कुरियर देना था ये, अजमेर से मनीष नाम है उनका, अजमेर से हैं, उनका पूरा नाम मेरे को याद नहीं, आप पीछे से देख लीजिए, इसमें डबल फैन लगा हुआ है, डबल ST के लगा हुआ है फ्राउंड में, आप देखते रहिए। गाइस आप देखिए यहाँ पे चल रहा है, और इसमें एक और आपको बता देता हूँ, इसमें अगर प्लीज बेट आ रहा हो तो प्लीज बेट, आप देखिए यहाँ पे सप्लाई रहता है ये वाला, ये कनेक्टर है ना, ये जब तक कनेक्टर आप लगाओगे नहीं तब तक आपका प्लीज बेट जाएगा ही नहीं, और CD आपको लगाना पड़ेगा, टेप लगाना पड़ेगा, हर एक सिस्टम आपको बगैर लगाए काम नहीं होगा आपका, ठीक है, कुछ भी हो बगैर लगाए आपका काम नहीं होगा। और इसमें और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप जिसको जानकारी हो उसी से आप सिस्टम वगैरह जो भी हो आपके पास जो कंपोनेंट है वो आप उसी से रिपेयर कराओ, ना कि आप किसी को भी, आप जिसको जानकारी नहीं है इसके बारे में आप उसको दे दोगे, वो सिर्फ सामान इधर उधर कर देते हैं, और सामान इधर उधर कर देते हैं थोड़ा छोटा सा फॉल्ट के लिए, ये समझ लो मैंने कल से लेके बैठा हूँ सिर्फ एक छोटी सी गलती के लिए, एक जिसको दिया था उन्होंने पता नहीं क्या वो कर दिया, उसका कनेक्टर वनेक्टर निकाल दिया था, उस छोटी सी गलती के लिए मैं कल से लेके बैठा हूँ, रेडी तो मैं कल ही कर दिया था। एकदम कंप्लीट हो गया गाइस, आप देख लीजिए यहाँ पे, ये इसका मॉडल है, 5900 वाट का है, और RMS भी है 540 का, PMPO तो है, ये इसका 5 स्पीकर का बूफर है। ये मॉडल अच्छा भी आता है इसमें का, GZR 8 GZR 888 D, वो 777 D भी आता है जिसमें, 888 D आता है, 777 D आता है जिसमें, डिस्प्ले ऐसे ही रहता है, बस मॉडल चेंज है थोड़ा सा, और बोर्ड वोड में थोड़ा चेंज बताया है। और एक जो 888 D आता है वो बड़ा डिस्प्ले आता है, GZR, ये अच्छा और सक्सेस सिस्टम है, बट यही है इसमें USB भी दिया है, और एडवांस ये है कि जैसे बाकी सिस्टम में आप CD नहीं भी यूज करोगे चलेगा ये, लेकिन इसमें जो है लगाना पड़ेगा सब आपको, टेप का वो सब जितना भी है सब कुछ लगाना पड़ेगा आपको। तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू सो मच गाइज। अभी मेरे पास बहुत पड़ा है, कल मैंने रिपेयरिंग किया था 1100 और उसके बाद 1000 DB पड़ा है,
90D पड़ा है सब रिपेयरिंग के लिए, तो मैं उसका भी आगे आपको क्या है क्या नहीं डिटेल में आपको वीडियो डालूंगा, आप देखते रहिए एंड लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। ये अपना इधर का है, जाबेरी बाज़ार से लेके आए थे मुंबई से, लेकिन ये इनके गांव का सिस्टम है तो वहां से वो लेके आए, वहां पे रहते हैं काम करते हैं जाबेरी बाज़ार में, तो वहां से फिर ये लेके आए रिपेयरिंग के लिए। अब यहां से हो गया है तभी ये वहां पे सीधा शिफ्ट कर देंगे। थैंक यू गाइस, इतना समझ लो इतना अच्छा इसमें बेस वगैरह है कि जिसे लोग फेंकना नहीं चाहता, और ज़्यादा पैसा डाल के लिया है, अच्छा जब लिए थे अच्छा पैसा डाल के लिया था। इसमें CD सब चल रहा है, देखिए CD सब चल रहा है। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।